नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सप्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए रुक करते हैं आज की सुपरफास्ट खबरों की ओर। कल जारी होंगे झारखंड अकेडमिक काउंसिल 10वीं 12वीं के नतीजे। पांचवा T20 बारिश में धुल जाने के बाद टिकटों के पैसे होंगे वापस। कब्र से निकाला जाएगा पाकिस्तानी एंकर आमिर लियाकत का शव, कोर्ट का फैसला। श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत टेस्ट टीम से जुड़ने के लिए इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना। वाराणसी के नक्की घाट में जर्जर छज्जा कार पर गिरा, कार के परखच्चे उड़े। राम जन्मभूमि निधि समर्पण में श्रीराम मंदिर के लिए दान में मिले 22 करोड़ के चेक बाउंस। अग्निपथ के विरोध में उतरी भारतीय किसान यूनियन असली। बरेली में हुए योम ए दुरुद कार्यक्रम को लेकर पूरे दिन अलर्ट रही पुलिस। फतेहपुर सीकरी में योग दिवस की तैयारियां जोरों पर। मेरठ में टोल प्लाजा पर दंगा नियंत्रक दल तैनात। अग्निपथ योजना बंद का यूपी में कोई असर नहीं, हिंसक प्रदर्शन मामले में अब तक 475 गिरफ्तार। वाराणसी में मेधावी छात्र छात्राओं का बीएसए ने किया सम्मान। भगवान मान ने काबुल के गुरुद्वारा साहब पर हुए हमले की कड़ी निंदा, कहा ये आतंकवादियों के क्रूर और कायरतापूर्ण हरकत। महाराष्ट्र के सांगली में एक ही घर से मिली 9 लोगों की लाश, जहर पी कर दी जान। बिहार में आंधी और बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत, सीएम ने दी 4 लाख की सहायता राशि। पंजाब यूनिवर्सिटी में बदलाव के विरोध में सीएम मान ने अमित शाह को लिखा पत्र। नामांकन पत्रों की आज होगी जांच, 22 जून तक चलेगी नाम वापसी की प्रक्रिया। बालाघाट में 3 इनामी नक्सलियों का हुआ एनकाउंटर, सीएम शिवराज ने की पुलिसकर्मियों की सराहना। लो बजट में मिलेगी पेट्रोल की कीमतों से आजादी, हुंडई ला रही है शानदार अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार। दिल्ली को जाम से मिलेगी राहत, पीएम मोदी ने प्रगति मैदान टनल और 5 अंडरपास का किया उद्घाटन। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।